नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ, आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है हमारा यानी आप सभी का यूट्यूब चैनल माँ मनसा देवी मंदिर में। तो माता के प्यारे भक्तों, आप सब कैसे हैं? मैं माता से यही कामना करता हूँ कि आप सब जहाँ कहीं भी हो बिल्कुल सुरक्षित हो, स्वस्थ हो एवं ठीक हो। तो माता के प्यारे भक्तों, मैं आज आप लोगों के लिए एक छोटा सा वीडियो लेकर आया हूँ। माता का ये छोटा सा वीडियो आप अंत तक ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। तो दोस्तों, आप जैसे कि देख पा रहे हैं, एक बहुत ही सुंदर मंदिर आपको दिख रहा है, बहुत ही भव्य मंदिर है। और ये मंदिर का जो कारीगरी यानी मंदिर का जो स्ट्रक्चर किया गया है वो एकदम रथ के स्ट्रक्चर से बनाया गया है। मंदिर बहुत ही सुंदर, बहुत ही दिव्य और बहुत ही मनमोहक मंदिर है। और उसके अंदर की जो प्रतिमा है यानी ये जिस देवी का मंदिर है, इसको चंडी माता का मंदिर कहा जाता है। चंडी माता यानी देवी माँ पार्वती का ही एक रूप है, शक्ति का ही एक रूप है। तो दोस्तों, आज मैं माता चंडी का एवं भोले शंकर जी का मंदिर में आया हूँ उनका दर्शन करने के लिए और उनका पूजा करने के लिए। तो दोस्तों, आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। तो दोस्तों, आप जैसे कि देख पा रहे हैं, माता का मंदिर कितना ही भव्य, कितना ही सुंदर है। देखिए कितना सुंदर नक्काशी किया गया है मंदिर में। और दोस्तों, आपको हम दिखाएंगे माता का विग्रह। तो दोस्तों, आप जैसे कि देख पा रहे हैं, माता का विग्रह बहुत ही सुंदर है, बहुत ही भव्य है। आप दोस्तों जैसे कि देख पा रहे हैं, माता शेरावाली है, सिंह वाहिनी है, माता चतुर्भुजा है, उनके एक हाथ में चक्र शंख है और गदा है, और माँ अभय मुद्रा में है। इसे अलाई चंडी माता के नाम से पूजा जाता है। तो दोस्तों, आप जैसे कि वीडियो के माध्यम में देख पा रहे हैं, मैं शंकर भगवान के मंदिर में भी आ चुका हूँ। देखिए, ये मेरा छोटा एक भाई है, मेरा भाई भगवान शंकर को धूप अर्पित कर रहा है, धूप से पूजन कर रहा है। तो दोस्तों देखिए, और मंदिर में जाते वक्त यानी भगवान भोले शंकर का मैं जब दर्शन कर रहा था, तब मुझे एक बालक दिखाई दिया। वो अपने छोटा सा बालक, बहुत ही मासूम बालक है, और वो अपनी श्रद्धा भक्ति से पूर्ण विश्वास सहित वह भोले शंकर का पूजा कर रहा था। मुझे देख के बहुत ही अच्छा लगा। उस बालक के अंदर ना भगवान के प्रति बहुत ही प्रेम, बहुत ही असीम श्रद्धा है। देखिए, तो आपको भी वीडियो के माध्यम से दिख रहा होगा कि दोस्तों वो भगवान शंकर को किस तरह से पूजा कर रहा है। तो दोस्तों देखिए, ये मेरा भाई है, ये मेरा छोटा भाई है, वो भगवान शंकर को पूजा कर रहा है, यानी उनको धूप से धूप दिखा रहा है मेरा भाई। तो देखिए मेरा भाई, देखिए ये मेरा भाई है, तो मेरा भाई शंकर जी को पूजा कर रहा है। तो आज हम माता भवानी यानी माता चंडी एवं शिव जी के मंदिर में आए हैं उनको पूजा करने के लिए, उनसे प्रार्थना करने के लिए। तो दोस्तों देखिए, वो बच्चा कितना ही सुंदर से भगवान शिव जी को बिल्वपत्र चढ़ाया, वो अपने मन से श्रद्धापूर्ण वो भगवान जी का एवं माता पार्वती का पूजा कर रहा था, जो कि मुझे बहुत ही आकर्षित किया। मुझे बहुत ही वो जो दृश्य है मनमोहक लगा कि उतना छोटा सा बालक के अंदर भगवान के प्रति, परमेश्वर का प्रति कितना आस्था, कितना भक्ति, कितना प्रेम है। दोस्तों जैसे कि आप वीडियो के माध्यम में आपको दिख ही रहा है, देखिए ये माता पार्वती का मंदिर है, भगवान शंकर जी के बगल में ही माता पार्वती का मंदिर है। और यह भगवान शंकर जी का जो मूर्ति है वो बहुत ही दिव्य ज्योतिर्लिंग है, बहुत ही मतलब बड़ा प्रतिमा है, आपको वीडियो के माध्यम से शायद दिखा होगा। तो दोस्तों देखिए, और भगवान का जो मंदिर का जो चारों तरफ जो इन्वायरमेंट है यानी चारों तरफ जो परिवेश है, वहाँ का जो एक वातावरण है बहुत ही मनमोहक एवं अलौकिक, वहाँ जाने से मन को एकदम शांति मिल जाता है। तो दोस्तों देखिए, एक छोटा सा मैंने आज आप लोगों को वीडियो दिखाया, यहीं पे बाबा विराजमान है, यही है बाबा का मंदिर है और यही माँ पार्वती माता का मंदिर है। तो दोस्तों देखिए, तो दोस्तों आइए मैं बाबा का स्वरूप का आप लोगों को दर्शन करवाता हूँ। तो दोस्तों जैसे कि आप देख पा रहे हैं, कितना ही सुंदर स्वरूप है बाबा शिव जी का। देखिए यहाँ पे जो बाबा का जो मूर्ति है यानी यहाँ पे जो शिवलिंग जी प्रतिष्ठित है, यह आज से लगभग 50 से 60 साल पहले एक खुदाई के दौरान प्राप्त हुआ था, और तभी से उनका पूजा किया जा रहा है। और ये भी माना जाता है कि बाबा का जो मूर्ति है ये साक्षात चंद्रधर ने प्रतिष्ठा किया था, चंद्रधर का समय का ये मूर्ति माना जाता है। और इस बाबा को वर्धमानेश्वर के नाम से पूजा जाता है, यहाँ का फेमस टेम्पल है। यहाँ पे श्रावण महीने में बहुत ही भीड़ होता है, मेला लगता है। देखिए बाबा का दिव्य दर्शन कीजिए, बाबा का दिव्य दर्शन से आप सबकी मनोकामना बाबा विश्वनाथ पूर्ण करे, वर्धमानेश्वर शिवजी महाराज आपकी सारी मनोकामना पूर्ण करे। यहीं से मैं वीडियो ख़त्म करता हूँ। तो दोस्तों, बाबा का
वाहन का भी दर्शन कर लीजिए, आपका सारी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी।